गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पायरुलिना के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ, जो सिर्फ आज लेकिन कंपनी ने दो प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, एक नॉन वेज और एक वेज में। ये आप देख लो, ये न्यू डब्बा है और ये पहले का है। गैलेटिन यूज्ड इन कैप्सूल सेल, ये उस इसका जो ऊपर जो कवर होता है, अब ये देख सकते हैं, ये सिर्फ सारा वेजिटेरियन है लेकिन ऊपर का एक कवर नॉन वेज था, तो लोगों ने कंप्लेन करा कि किन्हीं का फास्ट होता है, किन्हीं का व्रत होता है, सो इसका वेजिटेरियन फ्लेवर में ही चाहिए फुल। तो इस कंपनी ने वेजिटेरियन में उतारा पूरा प्योर वेजिटेरियन। आपको ये नहीं कि आज ट्यूजडे को फास्ट है तो ये दिन फास्ट है, मैं ये नहीं खा सकता, तो इसके लिए कंपनी ने सॉल्यूशन निकाल दिया है, जो आप वे सर्विस है आप इसका ले सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने पहले बना दिया है, जिसका लिंक एड बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं स्पायरुलिना के कितने बड़े फ़ायदे होते हैं। तो थोड़ी सी इसके भी बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ डालूँ तो आपको आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इसके बेनिफिट्स। और ये जो स्पायरुलिना है, ये एक प्रकार का शैवाल होता है। आपके तरफ अगर नदी होंगे तो उसमें देखूँगा हरे हरे कलर का, एक वो मतलब जब धार आती है, जब बहुत सारे मात्रे में बाढ़ आती है तो उसमें आप देखा होंगे ग्रीन कलर का होता है, तो वो एक प्रकार का शैवाल है, उसके ही एक भाग है जिसको बनाया गया है। तो यह स्पायरुलिना एक प्रकार का शैवाल है जिसमें 60% का प्रोटीन होता है, यानी कि आप इसको प्रोटीन वाला प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, 60% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। और अलग से आपको इस बात का जानकर हैरानी होगी, 60% प्रोडक्ट प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है ही, लेकिन इसमें 18 प्रकार के अलग से प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ पाए जाते हैं, कैल्शियम, विटामिन ए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत ऐसी तरह के ये स्पायरुलिना पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। तो आपको एक बार ज़रूर यूज करना चाहिए। ये अमेरिका में UN में एक शोध में यह पता चला है, डायबिटीज पर्सन पर एक शोध करा गया था, तो डायबिटीज पर्सन के लिए यह रोज़ 6 ग्राम, यह सबसे पहले बता दूं कि इस स्पायरुलिना को आप एक दिन में 6 ग्राम ले सकते हैं, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, यह नहीं कि एक टेबलेट्स खाने से आपको फ़ायदे मिल जाएंगे, तो एक मतलब 6 ग्राम खाना उचित माना गया। तो मैं क्या बोल रहा था, वो डायबिटीज पर्सन के लिए जब यूज करा गया तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उसको मिला। तो अगर डायबिटीज पर्सन कोई हैं तो आप इसे रोज़ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, डायबिटीज पर्सन के लिए बहुत कारगर साबित होता है, या वो शोध में पता चला है, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर देखा था क्या शैवाल में या एक प्रकार का स्पायरुलिना इतने सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिला। आप अगर डायबिटीज पर्सन हो तो आप इसे 6 ग्राम के तौर पर ले सकते हैं। अभी जो वायरस से पूरी दुनिया तबाह है, इसी प्रकार यह शोध में यह भी रिसर्च हुआ था कि स्पायरुलिना लेने से 6 ग्राम वो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत करते हैं, जिसे इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, जो बाहर से आने वाली बीमारियों को रोकती है, हमारे सेल्स को मजबूत करती है, जो भी बाहर से आने वाले वायरस बीमारी सारे को अटैक करती है और उसे फाइट करती है और अंदर आने से बीमारी को रोकती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत करती है, आप चाहें तो इसे यूज करके देख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आप एक बार खाएंगे तो असर कर जाएगा, ये एंटीबायोटिक नहीं, वो अंग्रेजी दवा नहीं है कि एक दिन में ही सही हो जाए, लेकिन एक दिन के लिए होता है वो, लेकिन आयुर्वेदिक की तरह आप इसका असर 1 महीना 20 दिन 25 दिन में असर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप तुरंत खाएंगे तो तुरंत असर कर देगा, 25 दिन तो प्लस कर ही जाएंगे, तभी आपको प्रॉफिट बेनिफिट्स मिल सकते हैं। या स्पायरुलिना हार्ट प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करती है, जिससे फैट की चर्बी गायब होती है और आप अच्छा फिटनेस देखने में लगते हो, ये नहीं कि पेट की आपकी ज़्यादा वो फैट आ जाती है इसमें। इस प्रोडक्ट का पहले ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वैसे इसका मकसद मेरा था सिर्फ बताना नॉन वेज और वेज के बारे में,
तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो नॉनवेज, और वेज खाना चाहते हैं तो वेज, दोनों सेम टू सेम है। सिर्फ इसका गैलेटिन जो ऊपर से कवर चढ़ाया गया है वो सिर्फ नॉनवेज है, और बाकी सब वेजिटेरियन है। तो मेरा यही मकसद था गाइस फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय वंदे मातरम, थैंक यू।